गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं स्वाभिमानी माँ चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं रेड चिली बनाने वाली हूँ, तो बच्चों के लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट है ये। आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या सामान लगता है। ये ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड, ये इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए। ये रिफाइंड हल्दी पाउडर, टेस्ट के अनुसार नमक, शिमला मिर्च छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए, हरी मिर्च बीच से कटे हुए, टमाटर, गाजर, लहसुन, अदरक, प्याज, प्याज भी छोटे छोटे टुकड़े में कटे हुए, अदरक लहसुन भी छोटे छोटे टुकड़े में कटे हुए। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पैन लेते हैं और गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं, मीडियम फ्लेम है। अब जब ये पैन गर्म हो जाए तो इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे, 2 टेबल स्पून है रिफाइंड ऑयल। फिर ये जब रिफाइंड ऑयल गर्म हो जाए ना तो इसमें फिर ये लहसुन जो छोटे छोटे टुकड़े में कटे हुए थे वो डाल देंगे। अदरक डाल देंगे छोटे छोटे टुकड़े में कटे हुए, और जब इसे थोड़े देर के लिए फ्राई करेंगे, भूनेंगे इसे जब तक ये थोड़े से कलर ना चेंज हो जाए इनके। अब इसका ये कलर चेंज हो गया है अदरक लहसुन का। अब इसमें ये कटे हुए हरी मिर्च वो डाल देंगे। कटे हुए हरी मिर्च डाल देंगे के बाद फिर ये कटे हुए प्याज, कटी हुई शिमला मिर्च और टमाटर को बाद में डालेंगे, पहले ये प्याज और शिमला मिर्च थोड़ा सा भून जा जाए इसके बाद। और ये कटी हुई गाजर, और ये हल्दी नमक इसे भी इसमें डाल देंगे। इसे भी मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये टमाटर डाल देंगे जो हमारा छोटे टुकड़े में कटा हुआ टमाटर का, और इसे भी मिक्स कर देना है अच्छे से। हमारा शिमला मिर्च और प्याज का कलर चेंज हो गया था, और गाजर में इसे थोड़ा 2-3 मिनट के लिए हमें इसे भून लिया। अब टमाटर डाल के जब तक टमाटर सब गल जाएंगे ना तब तक हमें इसे भूनना है। ये हमारा टमाटर गल गया, अब इसमें सोया सॉस डाल देंगे। देखिए सोया सॉस, गैस का फ्लेम थोड़ा सा चिल कर देना है। इसके बाद अब टमाटो सॉस डाल देना है। बच्चों को टमाटो सॉस ज़्यादा पसंद है ना, तो इसलिए 1 टेबल स्पून टमाटो सॉस, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देना है। ये अच्छे से में मिक्स हो गया सॉस भी। अब ये जो कटे हुए जो ब्रेड हैं ब्राउन ब्रेड, अब ये भी इसमें डाल देते हैं। आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, लेकिन मैंने ब्राउन ब्रेड ही लिया है। इसे इसमें डालकर इसे भी अच्छे से मिक्स कर देना है। इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए, और ये हमारा मिक्स हो गया है। और 2 मिनट के लिए गैस का फ्लेम लो रख के ही इसे थोड़ा सा और भी भूनना है, उसके बाद फिर ये रेडी हो जाएगा। चलिए 2 मिनट हो चुका है, अब ये अच्छे से बन गया है। अब इसे हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं, और ये हमारा ब्रेड चिली रेडी हो गया है।